बाहुबली मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जों पर तबड़तोड़ एक्शन के बाद अब बेटे अब्बास अंसारी पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। लखनऊ के महानगर थाने में जनवरी 2020 में दर्ज हुए मामले में यूपी एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसटीएफ की जांच में अब्बास अंसारी को आर्म्स एक्ट की उल्लंघन का दोषी पाया गया है। बता दें कि मऊ से बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी निशानेबाजी भी कर चुके हैं। स्टीएफ प्रभारी विशाल विक्रम सिंह के अनुसार मामले की जांच के दौरान कई बड़ी बातें सामने आई थी। मौके पर अलग अलग और प्रतिबंधित बोर के असलहे बरामद किए जाने के साथ मानक से ज्यादा कारतूस प्राप्त हुए थे। जाने माने निशानेबाज अब्बास अंसारी ने ऊंचे हैसियत के चलते गैर कानूनी तरीके से 7 शस्त्रों की सीमा से ज्यादा 8 शस्त्रों लाइसेंस हासिल कर लिए थे। आरोपी अब्बास अंसारी से जुड़े मामले में हुई जांच में अधिकतर बोर से बड़े बोर के घातक किस्म की राइफल और पिस्टल के साथ कारतूस खरीदने की बात सामने आई। एसटीएफ प्रभारी के अनुसार अब्बास ने शूटिंग के लिए प्रतिबंधित बोर के कारतूस भी खरीदे थे। साथ ही अब्बास अंसारी ने गन लाइसेंस को पिस्टल और रिवॉल्वर की श्रेणी के लाइसेंस में बदलवा कर धोखाधड़ी का खेल रचा था। चार्जशीट में ये बात सामने आई कि आरोपी अब्बास ने खरीदे गए कारतूसों के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ ब्यौरा एसटीएफ को नहीं दिया है। आरोपी ने लाइसेंसिंग प्राधिकरण के दिए गए आवेदन में कई बार पता बदलने के साथ ही दिल्ली स्थित अस्थायी पते को स्थायी बताया। यही नहीं, अपने पिता मुख्तार अंसारी को अपना नॉमिनी बताते हुए कहा है कि वो उसी के पते पर रहते हैं, जबकि पिछले कई सालों से मुख्तार जेल में बंद है। जांच के दौरान लाइसेंस में दर्ज कारतूस और बरामद कारतूस में बड़ा अंतर पाया गया है। मामले की जांच के चलते सामने आए सभी साक्ष्यों को आधार बनाकर एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। न्यूज़रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।